हाय फ्रेंड्स, इट्स डीजे सती। तो क्या हाल है आप सबके? जानता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन था कि मैंने अपने डीजे सती ब्लॉग चैनल से सारे के सारे वीडियोस डिलीट क्यों कर दिए या फिर प्राइवेट क्यों कर दिए। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैं उसके वीडियोज़ को प्राइवेट नहीं किया हूँ, मैं परमानेंटली डिलीट कर दिया हूँ। लगभग 100 से ज़्यादा वीडियोज़ थे उस पर जो कि मैंने डिलीट कर दिया। तो उसका कारण दो तीन कारण है। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था डिलीट करने में, क्योंकि किसी का भी चैनल जब उतना अच्छा रैंकिंग में जा रहा हो, जो भी वीडियो डाल रहा था मिलियंस में व्यू आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं डिलीट कर दिया। उसका यही कारण है, क्योंकि वो जो मिलियंस वाले व्यू थे वो समझिए एक तरह से फेक व्यू है, क्योंकि वो किसी और का कंटेंट पे आ रहा, हम तो सिर्फ रिमिक्स कर रहे हैं। तो यूट्यूब ये नहीं समझता है कि आप रिमिक्स कर रहे हो, आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। मतलब कि डीजे रिमिक्सरों का कोई वैल्यू ही नहीं है यूट्यूब पे। तो डिलीट करने का ये कारण था। और दूसरा कारण था कि जो हमारा सिल्वर प्ले बटन होता है, 1,00,000 सब्सक्राइबर जब हुआ तो मैं खुश हो गया कि चलो इस पे भी सिल्वर प्ले बटन आएगा। लेकिन अभी आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, 3,00,000 मतलब 3 लाख 3,00,000 सब्सक्राइबर होने वाला है। जबकि अभी तक जब भी मैं मेल करता हूँ यूट्यूब से डायरेक्ट बात होता है, तो वो सीधा उधर से इग्नोर करते हैं, बोलते हैं कि नहीं आपका चैनल जो है, आपके कंटेंट जो है वो यूट्यूब रिवार्ड के लिए सक्षम नहीं है। इस तरह का कुछ आ जाता है तो मन थोड़ा थोड़ा उदास हो जाता था, इसीलिए गुस्सा में आके हमने सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया। और डिलीट तो कर दिया हमने, लेकिन उसके बाद ये प्रॉब्लम हुआ कि जब हमने सारे वीडियोस को डिलीट किया, सिर्फ एक वीडियो है उस पर सॉन्ग वाला, तो उसके बाद पता नहीं क्यों यूट्यूब का नज़र चल गया, ये उस पर हो गया थोड़ा सा हादसा उस चैनल पर। तो क्या हुआ है वो मैं बता दूंगा, लेकिन आपसे उस चैनल पे जो वो सॉन्ग्स आए थे उससे भी मज़ेदार कंटेंट आएंगे हमारे। मैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में, मैं कैसे रहता हूँ कैसे नहीं, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, मेरा घर कैसा है, आपका डीजे ससी कैसा घर में रहता है, क्या काम करता है, वो सब मैं दिखाऊंगा। अब तक मैं सिर्फ बता रहा था, लेकिन अब मैं आप सबको दिखाऊंगा, अपने फैमिली मेम्बर से भी मिलाऊंगा। तो अगला जो हमारे डीजे ससी ब्लॉग चैनल पर आएगा वीडियो, ये कि मैं कैसा घर में रहता हूँ, मेरा घर कैसा है और क्या क्या कंडीशन में मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, उस सब का वीडियो आएगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। तो थर्ड रीजन जो है दोस्तों, वो है कि स्ट्राइक का प्रॉब्लम बहुत होता है। स्ट्राइक कोई भी जो अनजान आदमी है, जो कल का लौंडा है यूट्यूब पे, जो कभी कुछ किया भी नहीं है, अगर उसको भी CMS का पावर मिल जाएगा। CMS आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, इसके बारे में डिटेल आपको जानकारी दे दूंगा। तो और किसी भी चैनल पे उसका नजर नहीं जाएगा, डायरेक्ट डीजे चैनल पर। अगर आप डीजे मिक्स कर रहे हो, मतलब वो उस पर स्ट्राइक मारना उसके लिए सबसे इजी है। इसलिए स्ट्राइक का भी थोड़ा बहुत डर था, सोचे कि यार 3,00,000 सब्सक्राइबर होने वाला, अब अगर स्ट्राइक खा जाएंगे चैनल अगर डिलीट हो जाएगा तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा आगे। इसलिए सोचे कि कितना दिन इस तरह डर डर के जिएंगे। इसलिए हमने यूट्यूब चैनल जो हमारा डीजे सी ब्लॉग्स, उसके सारे वीडियोज डिलीट कर दिए। और बात रहा आगे क्या करेंगे वो तो आप लोगों को बता दिए। तो ये था कारण हमारे डीजे सती ब्लॉग से सारे वीडियो डिलीट करने का। फर्स्ट, सिल्वर प्ले बटन नहीं आना। दूसरा, यूट्यूब की नज़र में हमारा कंटेंट का कोई वैल्यू नहीं होना। डीजे रिमिक्सरों का यही प्रॉब्लम है, यार इतना मेहनत से डीजे सॉन्ग बनाते हैं, इतना मेहनत से एडिटिंग करके यूट्यूब पे डालते हैं, जितने और भी यूट्यूबरों का लगता है उतना डीजे रिमिक्सरों का भी लगता है भाई, लेकिन ये चीज़ यूट्यूब नहीं समझता। तो ये था सेकेंड। और थर्ड जो था आपको बता दिया, स्ट्राइक का डर था। तीन का कारण था जिसका कारण हम वीडियोस सारे डिलीट कर दिए। अब अर्निंग हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या है, जेन्युइन कंटेंट जो है वो देंगे, जिससे आप लोग एंटरटेन हो पाए, वही कोशिश है हमारा। और फर्स्ट टाइम कैमरा लिए हुए हैं उसका वीडियो। और आप सभी का क्वेश्चन था कि आप कौन सा कैमरा लिए हैं। तो दोस्तों, जो कैमरा हम लिए हैं जिससे अभी आप शूट हो रहा वीडियो, आप जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों, इसका क्वालिटी कैसा है जरूर से बताइएगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये जो कैमरा है, ये है कैनन का 200D Mark II। याद रखिएगा, कैनन का 200D Mark II। ये दो लेंस के साथ मुझे पड़ गया लगभग 62,000, मतलब 62,000 रुपये मुझे पड़ गया ट्राइपॉड अलग से। तो आप लोग देख लीजिएगा, वैसे भी नेट पे इसका प्राइस जो है वो अवेलेबल है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और कैमरा क्वालिटी कैसा लग रहा है, वीडियो क्वालिटी कैसा लग रहा है दोस्तों, वो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो
अच्छा लगा हो, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि कोशिश की है आप लोगों को वीडियो थोड़ा क्वालिटी में देने का। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक्स हमारे यार उतना उतना मेहनत करके आप लोगों के लिए डीजे सॉन्ग्स बनाते हैं, उस पर लाइक्स बहुत कम आते हैं, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। और डीजे हसीब ब्लॉग्स पे जाइएगा, वहां पे हम जो कैमरा लिए हुए हैं इसका ब्लॉग वीडियो डाले हुए हैं कि किस तरह करेंगे। साथ में हमारा दोस्त मनोज देव भी आया हुआ था, तो काफी एंजॉय किया रास्ता, हम लोग पानी में भींगे भी, सारा चीज का वीडियो डाले हुए हैं डीजे हसीब ब्लॉग्स पे। तो आप लोग प्लीज जाइए हमारे उस चैनल पे डीजे हसीब ब्लॉग्स को, उसके वीडियो को देखिएगा जरूर से जरूर। और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, स्टूडियो ससी, लव यू ऑल एंड बाय बाय।